Realme is launching every time as a best phone, as a flagship phone forever, and this time all are excited for Realme 9 series, and most are excited for Realme 9 Pro because Realme 9 Pro as a flagship phone coming with the best price point, coming with the mid-segment price point with a good specs like flexible level, that's why all are excited for this phone. And aaj hum is video mein Realme 9 Pro ke bare mein baat karne wale, and the most users are asking only this question, ye phone क्या फ्लैक्सिब होगा एंड क्या ये बजट में आने वाला है. तो मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ, हाँ ये फ़ोन एज अ फ्लैक्सिब फ़ोन होगा एंड बेस्ट प्राइस पॉइंट पे आने वाला है, बिकॉज ये फ़ोन बहुत सारे फ़ोन को इजीली कंप्लीट करने वाला है. लाइक ये फ़ोन ना एक मिड सेवन के प्राइस पॉइंट पे रियली एज अ फ्लैक्सिब किलर स्मार्टफोन होने वाला है. तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो इस फ़ोन के लिए एंड अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू कीजिए एंड तक, बिकॉज ये फ़ोन एज अ फ्लैक्सिब होने वाला है इन 2021. तो स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये फ़ोन फ्लैगशिप क्यों होने वाला है, सबसे पहला रीज़न बता देता हूँ. रियलमी इज़ डायरेक्ट टू से दिस वर्ड, आई विल गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस फोन. तो कंफर्म होता है कि ये फ़ोन मिड सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे कैसा परफॉर्मेंस पे रन करने वाला है. यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंफर्म इस फोन के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 780G डुअल 5G चिपसेट मिलेगा, जो एक बेस्ट चिपसेट है एंड मिड सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे ऑब्वियसली ये फ़ोन एक बेस्ट होने वाला है. एंड कंफर्म इस फोन के अंदर एज अ स्टोरेज ऑप्शंस भी बेस्ट मिलेगा. लाइक इस फोन के अंदर बहुत सारे न्यू अपडेट्स किए गए इन स्टोरेज ऑप्शंस. लाइक अगर आप लोग स्टार्टिंग वेरिएंट को परचेस करना चाहते हैं, यू विल गेट 6GB 128GB एंड मिड वेरिएंट यहाँ पे 8GB 128GB एंड टॉप एंड 12GB 256GB या फिर 8GB 256GB मिल सकता है. एंड इस फोन के अंदर एंड्रॉयड का न्यू UI भी देखने को मिलेगा. लाइक इस फोन के अंदर एंड्रॉयड 12 एंड इस फोन के अंदर रियलमी का UI 2.1 या फिर 3.1 मिल सकता है, ऑफिशियली कन्फर्म है. डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, दैट्स वाई रियलमी इज़ गिविंग अ फ्लैगशिप डिस्प्ले ओवर हियर. इस फोन के अंदर कंफर्म है 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा एंड 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो एक बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है. एज यूजुअल पहले वाले से बेटर, फास्टर एंड स्मूदर होने वाला है. एंड इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, जो पिछले वाले से तो यार बेस्ट एंड फास्ट होने वाला है. एंड कॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड एक सिंगल पंच होल ऑलवेज सेल्फी के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. कैमरे के बारे में बात करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है फ़ोन के कैमरे को ज़्यादा यूज़ करना, दैट्स वाई इस फ़ोन के अंदर एज अ बेस्ट कैमरा देखने को मिल रहा है. न्यू क्वाड कैमरा मिलेगा एंड कंफर्म है सोनी का न्यू सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलने वाला है. एंड इस फोन में सेकेंड सेंसर भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छा वाइड ऑफ व्यू मिलने वाला है. एंड टेलीफोटो लेंस मीन जूमिंग सेंसर इस फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल एज अ डेप्थ सेंसिंग मिलेगा. एंड फ्रंट सेल्फी भी ऑलवेज बेस्ट इस फोन में 44 मेगापिक्सल का. प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, अब इतना कुछ तो इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है, अब इस फ़ोन का क्या एक्सपेक्टेड प्राइसिंग हो सकता है, सबके मन में यही डाउट होगा. एंड ऑलवेज यहाँ पे कंफर्म है रियलमी इज़ गिविंग अ फ्लैगशिप फ़ोन इन बजट एंड कंफर्म है इस बार इस फ़ोन के अंदर एज अ फ्लैगशिप लेवल के स्पैक्स मिलेगा, वो भी बेस्ट प्राइस पॉइंट पे. एंड बेस्ट प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे रिवील है. ये फ़ोन ना इंडिया में 19,999 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा एंड टॉप एंड वेरियंट ये फ़ोन ना 24,999 के रेंज में मिल सकता है. टेकिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है पर लीक्स के अकॉर्डिंग रिवील हो चुका है. एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो ये फोन अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक पे लॉन्च करने वाला है. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.